तो भाई सराफा बाजार में आए हैं हम कड़ी चावल खाने के लिए, लेकिन देखिए भैया ये देखिए कौन है यहाँ पे। हमसे पहले इना यहाँ पर बैठी है, कड़ी चावल खा रही है। भाई तेरे को कैसे बता भाई, तूने कहाँ ढूंढा इसको? कड़ी चावल की खुशबू पूरे मुजफ्फरनगर में फैली हुई है। अच्छा तो भाई सागर, इना तो पहले यहाँ बैठी हुई है, तेरे को किसने बताया यहाँ पे? मुजफ्फरनगर का बच्चा बच्चा जानता है, यहाँ मिलते हैं सबसे बेस्ट कड़ी चावल, और कड़ी चावल मेरे फेवरेट हैं। मुझे जैसे पता चला मैं फटाफट आ गई यहाँ पे। तो खा के बता कैसे? इन्होंने पता है कैसे बनाए हैं ये चावल के ऊपर? पहले इन्होंने बटर डाला इतना सारा। अच्छा अमूल बटर है। फिर उसके ऊपर डाला इन्होंने कड़ी, फिर डाला चाट मसाला। अच्छा और फिर ये प्याज और हरी मिर्च। अरे वाह भाई वाह, मेरे देखो मुंह में पानी आने का मजा आने वाला। खुशबू अंगन जबरदस्त है। अज्जू भाई की जरा चेहरा तो दिखा दो, कितने प्यारे हमारे अज्जू भाई। हाय हाय अज्जू भाई कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है। हाँ जी ओके जी ओके। अभी जी ने कही कभी ये बात कि तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं। अच्छा हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी। भाई साहब क्या खा रहे हो? कड़ी चावल खा रहे हैं। भाई साहब कितने टाइम से खा रहे हो? मैं तो काफी दिन से आऊं। कितने साल हो गए? कई साल हो गए मुझे। कई साल? कितने? हाँ जी लगभग 3 साल हो गए। 3 साल हो गए भाई, 3 साल से आ रहे हैं। तो इना बिल्कुल सही जगह पे आए हैं हम, और भैया कड़ी चावल के टेस्ट करके देखते हैं। ये स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा ये कड़ी में दही इतनी ज्यादा खट्टी नहीं है, क्यों? ये मट्ठे की बनी हुई है। मट्ठे की बनी हुई है ये कड़ी, और पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये पकौड़े बेसन के है। रेसिपी किसकी है? किसने सिखाया बनाना? ये मम्मी ने सिखाया। अरे मम्मी के हाथ की कड़ी। अच्छा मम्मी ने सिखाया तो भैया जबरदस्त तो होगी वाकई में। मम्मी ने बना रखी, वैसे भी कभी कभार बनाऊँ मैं तो। अच्छा मम्मी ने बना रखी। हाँ जी। तो कितनी ये कड़ी लग जाती है डेली? लग जाती है 30-35 किलो। 30-35 किलो। कितने बजे आते हो आप? 8:30 बजे। 8:30 बजे आ जाते हो। तो अज्जू भाई आपकी दुकान एग्जैक्ट एड्रेस बता दो मुझे। यह है मोती महल, सर्राफा बाजार मोती महल, मुजफ्फरनगर। अच्छा तो आप कितने साल से यहाँ पे? 20-25 साल से। कितने साल? यहाँ पे 22-23 साल हो गए मैं। आपकी तो शादी नहीं, आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 26। अच्छा तो पापा बैठते थे? हाँ जी पापा ने शुरुआत की थी। चलिए बहुत बढ़िया, और भैया ज़बरदस्त टेस्ट है, एकदम घर वाला टेस्ट दे रहे हैं। और सिर्फ 10 रुपये की 20 रुपये प्लेट है, कितने रुपये प्लेट है ये प्लेट जो इना खा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये की है। और मैंने तो हालांकि कहा था थोड़ा कम कम डालना, क्योंकि मैं एक बारी में थोड़ी कम क्वान्टिटी में खाती हूँ, ताकि मैं सारा मुजफ्फरनगर का फूड टेस्ट करूँ। पकौड़ी खा के देखते हैं जरा। ये देखिए भाई वाह, भाई घर जैसा टेस्ट है। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत ज्यादा तीखी नहीं है, दही बहुत ज्यादा खट्टी नहीं है। अक्सर क्या होता है ना कड़ी में हमें खट्टा मन ज्यादा देखने को मिलता है। मुझे तो अच्छी भी लगती है जितनी पतली कड़ी होती है, खट्टी कड़ी होती है। नहीं नहीं थैंक यू, बिल्कुल ही यूनिक स्वाद है, मजा आ गया। मसाला डाला है इन्होंने बहुत बढ़िया, चाट मसाला, चाट मसाला, मक्खन, प्याज मिला के जो ये कड़ी की चाट बन गई है ना, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, जबरदस्त। दोस्तों अगर आप सराफा बाजार में हैं, उसके आसपास हैं मुजफ्फरनगर में, तो भैया अज्जू भैया की कड़ी जरूर खानी चाहिए, जरूर खानी चाहिए। आप लंच में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, और जब आपका मन करे तब आइए और खाइए कड़ी चावल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कड़ी खाने दीजिए, और आप जो है बने रहिए खिचड़ी दा फूड चैनल के साथ। बाय बाय।